स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं झींगा करी, मींस प्रॉन्स करी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉन्स लिए हैं, इसे ऑयल और हल्दी से रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गरम मसाले की पेस्ट ली है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये कोरिएंडर है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। ये तेज ल्यूज़ है, तेज पत्ता जिसे कहते हैं। ये एक बड़ा ओनियन लिया है मैंने, ये हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। और यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर, जीरा भी लिया है। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था। तो चलो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है, अभी हम इसमें ये ऑयल डाल देंगे। तो ये ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया था, तो अब ये तेज पत्ता हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें ये ओनियन डाल देंगे। ओनियन को हल्के ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करते हैं। तो ये हल्के ब्राउन हो गए, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें, तो यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है था। तो ये गरम मसाला जो हमने निकाला था, गरम मसाले की पेस्ट, अब हम ये भी इसमें डाल देंगे। तो ये मसाला जो है अच्छी तरह से हमारा भूंज गया है और इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें जो है ये रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं। तो ये आपको जितना तीखा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर डाला था। ये नमक भी हम इसमें डाल देंगे, ये स्वाद अनुसार लिया है मैंने नमक। और ये हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने। और यहाँ पर ये धनिया और जीरा की पाउडर थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला अच्छी तरह से हो गया है, तो अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ ये प्रॉन्स से ये डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और मैंने उबलने के लिए रख दिया था। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने पानी उबलने के लिए क्यों रखा था, तो इसके वजह से जो है ना बहुत अच्छी तर्री आती है। और इसकी जो ग्रेवी है इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। वाह, सकते इसमें उबली आनी चालू हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू भी आनी चालू हो गई है, देखो आप देख सकते हैं। अब हम इसे धीमी आंच पर रख देंगे ढककर। ब्लैक पेपर है, अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे, ज़्यादा घुमाना नहीं है हमें इसे। और अभी इसके साथ हम इसमें कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसमें 5 मिनट ढककर रखना है। ये 5 मिनट हो चुकी है, अभी हम देखते हैं इसे। वाह, जबरदस्त मस्त दिख रहा है ये। तो चलो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तैयार है अपनी प्रॉन्स करी, झींगा करी। कितना अच्छा दिख रहा है, आप भी इसके मजे ले, मैं भी इसके मजे लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।